अभी हो रहा है टाइम 7:30 के करीब में, शाम हो रही है, तो आज मैंने ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया है, इतना लोगों से बात नहीं हुई थी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, और अभी आई हुई मैं इधर पीछे की तरफ, थोड़ी सी बातें यहीं पर भी कर लेती हूँ। बाहर सब्जी वाला है और आप देख सकते हैं अभी मेरा हो रहा है, और सब्जी में क्या लेकर आए, अदरक आया है। तो मैं भी अभी चाय बना के चाय पी के जल्दी तरफ पाई, मैं देख के आती हूँ। और चुटकू का इसी तरीके से चल रहा है, चुटकू पी रहा है दूध। और चलिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, तब के लिए करते हैं अभी थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि बनाना है लंच, सॉरी डिनर। आज क्या बनाने वाली हूँ अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अभी तक भूख भी नहीं है, बस बेटा आता है तो फिर उससे पूछती हूँ। और आज शायद हो सकता है मैकरोनी बना लूँ अगर वो कहे तो, और अगर नहीं तो फिर कुछ और देख लूँ। खाना बनाने का मन नहीं है, पैरों में दर्द, आओ काट देंगे वो, बस चलो काटो। अब क्या करेगा बिट्टू बेबू विश्वना, जल्दी करो, बात ही करो, बात ही करो। आ धंधा छोड़ना हो रहा है बाबू। हाँ कर रहा है, हाँ बोलू। हाय हाय, हाँ खेलो खेलो खेलो। हाँ बात चालू, नहीं 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 ठीक है बेटा, आप यहाँ पे। हाँ हाँ बेटू बेटू आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है बनानी। और ज़्यादा है ये, अभी थोड़ी सी और बच रही है, काट के से रख दूंगी। और
जब भी बनाने को मन करेगा तब बना लूंगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा छीलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो तसल्ली से अगर पहले से छील के रखो, काट के रखो तो बहुत अच्छे से फिर बन जाती है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस इसको ज़्यादा काटने की जरूरत पड़ती नहीं है, हम इसको ऐसे भी मतलब तोड़ के ऐसे किस तरीके से भी रख सकते हैं। तो अभी पंखा चल रहा है बहुत तेज़ों से क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है, और आप समझ सकते हैं जब गर्मी होती है तो बिना पंखे के काम करना या बिना पंखे के रहना, और रसोई में तो बिल्कुल भी मैं ना बिना वहाँ पंखा नहीं होता है तो वहाँ ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाती हूँ। तो गर्मियों का मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं सारा काम बाहर करती हूँ, मतलब आटा वाटा तक मैं बाहर कमरे में ही गूंथती हूँ, और सिर्फ रसोई में सिर्फ सब्जी छोड़ में और रोटी बनाने ही जाती हूँ। तो इस तरीके से इसको काट सकते हैं हम लोग, वैसे भी काट सकते हैं। तो अभी मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसको काट लेती हूँ। जो इसके बीज होते हैं ना, जैसे ये बाकला पका हुआ है उसका बीज, जो इसके बीज निकाल के इसको सब्जी में डालो तो उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है और मुझे बहुत पसंद है। तो आजकल तो बेटा भी थोड़ा खाना मतलब खाना लेके जाता है ना, तो रोज़ एक सब्जी ले जाने में उसको भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और जब एक ही सब्जी ले जाने में अजीब सा लगता है तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा सब्जी खाने लगा है। मतलब जब ले जाता है तो थोड़ी बहुत टच कर लेता है उसमें से, तो अच्छा सा लगता है, मुझे भी बनाने के लिए भी मन करता है और फिर लाने के लिए भी मन करता है। आप समझ सकते हैं, देखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, नहीं तो आज की जो ब्लॉग में तो कर पाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और ये अच्छी लगती है, मुझे तो पसंद है, बचपन से ही मुझे ये पसंद है, और परिवार में तो सभी लोग नहीं खाते हैं तो, लेकिन मम्मी को भी बहुत पसंद है यहाँ पे, तो जब मैं बनाती हूँ क्योंकि वहाँ पीछे सब कोई खाते नहीं है, सब ज़्यादातर पूरी सब्जियाँ पसंद नहीं आती है, तो जब मैं बनाती हूँ तो फिर मम्मी को भी मतलब मैं देती हूँ क्योंकि उनको फिर वो वहाँ बनाते नहीं है, तो उन्हें भी अच्छी लगती है सब्जी। बस यही होता है, तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और जो भी प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू लोग आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिएगा क्योंकि इसमें कोई पैसा तो लगते नहीं है, और भी मेरी अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट रहती है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते नहीं हैं या भूल जाते हैं, अब ये तो आप जाने, और बिल्कुल भी मेरी वीडियो पे लाइक बहुत ही कम आते हैं, पता नहीं क्यों कम आते हैं, समझ में नहीं आता। और लाइक कीजिएगा क्योंकि इससे कुछ नहीं होता, हम लोगों को जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है कि यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक छोटी छोटी सी चीज़ शूट करने में भी कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो उसके बाद अगर कोई पसंद नहीं करता है ना तो थोड़ा सा दुख लगता है, बताइएगा ना, तो ये रहता है कि भाई पसंद ना करने का रीज़न भी होना चाहिए कि हाँ भाई आप ऐसे बनाइए, ऐसे कीजिएगा या इस तरीके का बनाइएगा, आप कुछ डिमांड करिएगा तो फिर हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन कोई डिमांड भी नहीं होती है ना, तो फिर हम अपने हिसाब से बनाते हैं, तो कमी बेसी भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कमेंट नहीं बहुत ही अच्छा लिखना है कि हाँ जी आपने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, जो कमी बेसी होती है आप लोग बताइए, आप लोग बताएंगे तभी तो हम उस पर थोड़ा सा मतलब जो भी हमें चेंज करना होगा हम लोग चेंज करेंगे ना। तो बातें करते करते सब्जी भी मेरी मतलब वो हो गई, एक बार मैं छिल चुकी हूँ उसको, फिर तोड़ते वक्त फिर इसमें निकल रहा है, तो ठीक है आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो का एंड का तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे ये रहता है कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है क्या हो गई इसका आइडिया मुझे पता चलता नहीं है, क्योंकि मैं बात करती रहती हूँ और वीडियो बनाती रहती हूँ तो इसलिए पता भी नहीं चल पाता, बस यही रहता है। कुछ दिनों में मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ, और कहानियाँ कई लोग बहुत ही पसंद करते हैं मेरी कहानियों को, तो पसंद करते हैं तो इस वजह से क्या होता है जो पसंद करते हैं ना तो मन करता है कि हाँ और ज़्यादा बनाई जाए। तो कई लोगों का मेरे पास वैसे भी पर्सनली भी कमेंट्स आया था कि आप कहानियाँ सुनाया करो, क्योंकि उसको बच्चे भी पसंद करते हैं, और क्योंकि अगर ब्लॉग वगैरह होते हैं तो बच्चे इतना अच्छे से नहीं देखते हैं, जब उसमें कोई कहानी वगैरह होती है तो बच्चे भी बहुत अच्छे से उसको देखते हैं। तो एक दो दिन में मैं लाने वाली हूँ अच्छी सी कहानियाँ आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा, जो भी नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा,
आप लोगों के सपोर्ट की हम लोग को बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी के लिए करती हूँ मैं इतना ही, फिर मिलते हैं कल अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में, क्योंकि तो मुझे पता है मेरा ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो चुका होगा और तो कोई फ़ायदा नहीं है बाद में कुछ ऐसे करने का। तो कल मैं आपके साथ करूँगी इस आगे का ब्लॉग शेयर, तब तक आप लोग भी कीजिएगा, मस्ती कीजिएगा, अच्छे से अपने घर में रहिएगा और मिलते हैं हम कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। ओके, गुड बाय, गुड नाइट। अब तो गुड नाइट हो गई है क्योंकि बज चुके हैं 8:30 करीबन। तो अब मैं जाती हूँ, सब्जी धोती हूँ और सब्जी बनाती हूँ और फुलके बनाने हैं मेरे साथ में। गुड बाय, गुड नाइट फ्रेंड।